मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। दोस्तों मालपुआ नाम से ही काफ़ी खतरनाक लगता है। पता नहीं इसमें क्या क्या डालते होंगे लोग, कितनी टफ रेसिपी है, बट इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि बहुत ही आसान रेसिपी है और आप इसे कभी कभी नहीं हमेशा बनाएंगे। और इस मीठे मालपुए के साथ मैंने बनाई है आलू की सब्जी, जिसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही परफेक्ट बैठता है। फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल स्वाद और सेहत में। मैं हूँ राहुल और आप इस चैनल में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं रेसिपी मालपुआ की, और आलू की सब्जी के साथ मैंने इसे बनाया है। अब मालपुआ बनाने की बात आती है तो उसमें मिठास जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने चीनी नहीं लिया है, यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है इतनी क्वांटिटी में, और उसमें पानी डालकर छोड़ देना है ताकि अच्छे से पिघल जाए। दूसरा इंग्रेडिएंट जो है मालपुए के लिए, वो मैंने यहाँ पर दो छोटा केला लिया है, उसे हम फटाक से छील लेंगे। और केला तो आपको पता ही है कि एनर्जी का बहुत ही अच्छा सोर्स है और इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है। तो हमने इसे कट कर लेना है छोटे छोटे पीसेज में और एक जार में डाल देना है। इसे हम क्या करेंगे, इसमें हम एक छोटी कटोरी दूध डालकर इसे अच्छे से जार में घुमाकर इसका बहुत ही अच्छा बैटर बना लेंगे, जो कि हमारे बाद में यूज़ होगा। तो यहाँ पर हमने चक्की आटा लिया है, 200 ग्राम लगभग चार आदमी के लिए सफिशेंट है। इसमें हम डाल लेंगे जो हमने केला का स्मूथ बैटर बनाया था दूध डालकर, उसे यहाँ पर डाल लेना है। और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे अपने गुड़ के घोल को जो हमने तैयार किया था। तो मालपुए का जो स्वाद आएगा ये गुड़ पर ही पूरी तरह से निर्भर करता है। ये जो गुड़ है ये डार्क कलर का गुड़ है, लाइट कलर का गुड़ भी मार्केट में आता है बट उसमें सल्फर डाला हुआ रहता है, तो उससे आपको बचना है। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ ये चीज, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स। हमने कैश्यू नट्स लिया है, हमने आलमंड्स लिया है, हमने अखरोट लिया है, वॉलनट्स। तो इतने सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने चॉप कर लिया है और अब हम इसमें बैटर में डाल लेंगे इसे और इसे फटाफट से मिला लेंगे। अब देखिए ये जो मालपुआ है बहुत ही अच्छा बनने वाला है, स्वाद के साथ साथ सेहत का भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। इसमें हमने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स को भी डाला है और अभी तो बाकी है, देखते रहिए। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फ्लेवर के लिए इलायची लिया है, इलायची का छिलका नहीं लिया है, तो इलायची को थोड़ा सा अंदर में जो बीज होता है उसको निकाल लिया है और इसे क्रश करके हल्का सा इसे मिला दिया है। अब यहाँ पर थोड़ी सी किशमिश एनर्जी के लिए, ये तो बाकी रह गया था, और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और फाइनली हमारा जो बैटर है ये तैयार है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको साइड रखते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने सब्जी भी तो बनानी है। तो यहाँ पर सब्जी के लिए मैंने यहाँ पर बॉइल्ड पोटैटोज लिया है, लगभग 7-8 बॉइल्ड पोटैटोज ले लें। तो आलू को फिलहाल साइड रखते हैं और हम 4 टमाटर लेते हैं, इसे इस टाइप के बर्तन में हमने उबालना है। यहाँ पर मैंने डाला है 2 गोटा मिर्च, इसे भी हम साथ में उबाल लेंगे। तो तब तक हमारे टमाटर उबलते हैं, हम आगे एक जार लेते हैं और उसमें थोड़ी सी मिर्च और थोड़े से अदरक डालकर उसे पीसेंगे। तो इसमें हमने डालना है 1 चम्मच जीरा और साथ में हम डालेंगे गोटा धनिया। तो ये जो पीस के जो आलू के मसाले में बनेगा, मतलब जो सब्जी हमारी बनेगी उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा, ये जो दरदरा सा पीसा है हमने इस मिक्सचर को। तो हमारे टमाटर उबल गए हैं, बहुत ही अच्छे से तैयार हैं। तो इसका बाहर का जो शेल है, मतलब छिलका है, वो अपने आप फट गया है और अंदर का जो पार्ट्स है मेन टमाटर वो दिख रहा है। इसे आप आसानी से छील सकते हैं, तो सारे को आपको छील लेना है और गर्मा गर्म टमाटर छीलने के बाद इसे काट लेना है। और हम डालेंगे उसी जार में अपने मिर्च को जो हमने उबाला था और टमाटर को भी, इसे बढ़िया सा पेस्ट बना लेना है। और हम आगे बढ़ते हैं, पैन में 1 बड़ा चम्मच हमने यहाँ पर सरसों का तेल लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी सब्जी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने आलू को कट करना है, मोटे मोटे आलू कट करिए, तब खाने में बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि आलू तो उबले हुए ऑलरेडी हैं। तो इस तरह से हमने सारे आलू को कट करके डाल देना है इसमें और इसे लगभग 5-10 मिनट इस तरह से चलाना है और अच्छे से ब्राउन कर लेना है। बहुत
बहुत ही मज़ेदार कलर आएगा, इसका स्वाद भी बहुत अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा स्वाद के लिए हम इसमें डालेंगे नमक। नमक डालने के बाद थोड़ा सा हमें इसे चलाना है, इस तरह से सौटे कर लेना है, अच्छे से मिला लेना है। और ये गर्मा गर्म आलू मुझे तो अभी खाने का मन कर रहा है, बट थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा। इसे गर्मा गर्म हम एक प्लेट में अलग से निकाल लेंगे। वाह क्या बात है। तो चलिए अब आलू की सब्जी को फटाफट से तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है, उसमें हम डालेंगे 1 तेज पत्ता और जो हमने मसाला को पीसा था दरदरा धनिया अदरक मिर्च, उसको यहाँ पर 2-3 मिनट के लिए सौटे करना है, ब्राउन करना है। ब्राउन करने के बाद जो हमने टोमेटो प्यूरी तैयार किया था उसे इसमें डालकर अच्छे से मिला लेना है। थोड़ा सा पानी डाल लें, जार को धो लें, जार में जो ऑलरेडी टोमेटो प्यूरी लगी है वो भी लग जाएगा। यहाँ पर हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और इसे अच्छे से मिला लेंगे। स्वाद के लिए हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक। आलू में हमने ऑलरेडी नमक डाला हुआ है और इसे थोड़ा सा मिलाना है। और 5 मिनट अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो इसे थोड़ी देर के लिए हमें मिलाना है, अच्छे से भूनना है ताकि ये सूख जाए। पूरा सूखने के बाद इसमें हम डालेंगे एक छोटा ग्लास पानी और ये बस अब परफेक्टली तैयार है। तो 2-3 मिनट तक इसे उबालिए और ये परफेक्टली तैयार है। आलू को हमने ऑलरेडी भून कर रखा था और इसे इसमें डाल लेना है और ये हमारी आलू की सब्जी गर्मा गर्म तैयार है। बढ़ते हैं हम मालपुआ की तरफ। मालपुआ को हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से मैंने एक नॉनस्टिक पैन में लगभग 4 छोटा चम्मच राइस ब्रैन ऑयल लिया है, या आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम डाल लेंगे अपने बैटर को इस तरह से। तो पैन के साइज़ के हिसाब से अपने बैटर की क्वांटिटी को डालिए। यहाँ पर मैंने 3 पुआ बनाया है, मालपुआ बनाया है। तो इसे जब ब्राउन हो जाए नीचे से, इसके ऊपर थोड़ा सा नारियल डाल लीजिए और अब ये परफेक्टली पलटने के लिए तैयार है। तो इसे इस तरह से पलट लेना है और देख सकते हैं आप बहुत ही ब्राउन कलर है। ये गुड़ का जो है फ्लेवर बाहर आ गया और इसका कलर भी आ गया। तो अच्छे से मालपुआ बनने के बाद इसे हम निकाल लेंगे और इंतजार की घड़ी खत्म। गरम गरम आलू की सब्जी हो, वाह। और थोड़े से पुदीने के साथ हम इसे गार्निश करेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। और गर्मा गर्म मालपुआ के साथ गर्मा गर्म आलू की सब्जी, मीठे के साथ नमकीन का कॉम्बिनेशन और साथ में नींबू मिर्च, वाह। तो इसी तरह स्वाद का लुफ्त उठाइए और सेहतमंद रहिए। धन्यवाद।